हे गाइस, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ यूपी बोर्ड रिजल्ट्स 2021 के बारे में। जी हां फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप 2020 में 10th या 12th में अगर आप रजिस्ट्रेशन किए हैं तो गाइस आपको पता ही होगा कि आपका रिजल्ट फिलहाल में ही आने वाला है। तो गाइस यहां पर मैं आपको बता दूं कि आप किस प्रकार से अपना रिजल्ट को देख सकते हैं। गाइस यहां पर मैं आपको बता दूं कि अपना रिजल्ट को देखने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स आपको अपना रोल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर की आवश्यकता पड़ता है। तो गाइस आपको लॉकडाउन की वजह से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपका रोल नंबर नहीं मिला है। तो गाइज आपको किस प्रकार से आपको ऑनलाइन अपना रोल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको निकालना है, गाइज आज की इस वीडियो में आपको मैं फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड जानने के लिए बने रहे इस वीडियो को एंड तक। एंड चैनल पर पहले बार आए तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो हमेशा इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, जिससे फ्रेंड्स आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएंगे। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। गाइज इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप सिंपली इस वेबसाइट पर यहाँ पर आ सकते हैं। तो गाइज इस वेबसाइट पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पे ट्रिपल डॉट वाले बटन पे क्लिक करना है। और गाइज क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर अपना मोबाइल फोन का स्क्रीन डेस्कटॉप साइट पर आपको कर लेना है। गाइज डेस्कटॉप साइट पर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास इस प्रकार से यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कक्षा। तो गाइज आपको सिंपली वाले बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पर आपको हाई स्कूल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। गाइज क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा वर्ष। तो गाइज आपको सिंपली यहाँ पर आपको 2020 ही रहने देना है। एंड इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है जनपद, यानी कि फ्रेंड्स आपका डिस्ट्रिक्ट। तो गाइज आपको सिंपली वाले बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं गाइज यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइज डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है विद्यालय। तो गाइज आपको सिंपली वाले बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से अपना विद्यालय का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा विद्यालय का नाम आ चुका है। तो गाइज आपको सिंपली यहाँ से अपना विद्यालय का नाम के ऊपर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइज अपना विद्यालय का नाम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है नाम। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर अपना नाम को आप पूरा भी लिखना चाहते हैं तो गाइज यहाँ पर आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको पता नहीं है कि आपका नाम में वर्ड क्या क्या है तो गाइज आपको सिंपली यहाँ पर आपको एक से दो ही वर्ड आपको लिख देना है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं अपना दो वर्ड यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ। लिखने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पे सर्च स्टूडेंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। गाइज क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास इस प्रकार से यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो चुका है। गाइज जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं दो ही वर्ड लिखा था, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा नाम आ चुका है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है। एंड इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका रोल नंबर आ चुका है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से अपना रोल नंबर एंड गाइज यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को आप निकाल सकते हैं। तो गाइज आपको किस प्रकार से अपना रिजल्ट्स को आपको चेक करना है, तो फ्रेंड्स उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन का गूगल क्रोम ब्राउजर में आ जाना है। एंड यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है sarkarijob.co। लिखने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पे सर्च के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो गाइज क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास इस प्रकार से यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पे फिर से ट्रिपल डॉट वाले बटन पे क्लिक करना है। गाइज क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। एंड नीचे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से अपना फिर से आपको अपना मोबाइल फोन को डेस्कटॉप साइट पर आपको कर लेना है। तो गाइज डेस्कटॉप साइट पर करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। तो गाइज नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूपी बोर्ड 10th रिजल्ट 2021। तो गाइज आप सिंपली इसके ऊपर आप क्लिक करके गाइज यहाँ से अपना रोल नंबर फिलअप करके गाइज अपना रिजल्ट को आप निकाल के देख सकते हैं। गाइज ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।